हे गाइस, वेलकम टू जीडी क्रिएशन। आज मैं आपको बताऊंगा कि फ़ोटोशॉप में ऑयल पेंट इफेक्ट किस तरीके से किया जाता है। हमने ऑयल पेंट के ऊपर पहले भी वीडियो बनाया है, तो ये हैशटैग 2 है, ये पब्लिक रिक्वायरमेंट वीडियो है गाइस। सो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से और एंड तक पूरा देखना, ओके। तो सबसे पहले मैं फ़ोटोशॉप में जाऊँगा गाइस। फ़ोटोशॉप में ऑलरेडी मैंने मॉडल ले चुका हूँ, इन मॉडल के ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट लाइक टू से मैं करने वाला हूँ ऑयल पेंट इफेक्ट। तो ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना के रखा है, तो आप देख सकते हो। सो अभी मैं इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ पहले। इसका एक डुप्लीकेट निकाल लेता हूँ गाइस। आप राइट क्लिक करके भी डुप्लीकेट निकाल सकते हो, कंट्रोल जे करोगे तो ये शॉर्टकट है। ऑफ। अभी मैं फ़िल्टर में जाऊँगा, ऑयल पेंट इफेक्ट सिलेक्ट करूँगा। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये जो साइड में जो गाइस नंबरिंग दिया है, ये कंपलसरी नहीं है कि मैंने जितना दिया है आपको भी उतना ही देना पड़ेगा। आपके हिसाब से भी दे सकते हो। मैंने ये इसके लिए दिया है क्योंकि मेरे इमेज के ऊपर इतना लाइक टू से कि अभी मैं कम ज़्यादा कर रहा हूँ, तो वो उतना सूट कर रहा है। तो आपकी इमेज कैसी रहेगी आप उस तरीके से उसको दे सकते हो। तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं लेयर को मास्क कर दूँगा। उसके बाद आप नीचे देखोगे तो वाइट एंड ब्लैक मैंने सिलेक्ट करके रखा है, और मैं अभी रबर टूल को सिलेक्ट करूँगा। सबसे पहले रबर टूल सिलेक्ट करने के बाद मैं मुझे जहाँ पर ऑयल पेंट इफेक्ट नहीं चाहिए, मैं वहाँ से रफ करते जाऊँगा। तो आपको यहाँ पर ब्रश एंड ओपेसिटी इन दोनों को साथ में लेके करना है। तो ओपेसिटी आपको कम करना है और ब्रश को कम ज़्यादा की टूल से आप कर सकते हो। तो मैंने मुझे इनके आँखों के ऊपर ऑयल पेंट इफेक्ट नहीं चाहिए था, तो मैंने वहाँ से निकाल दिया। मुझे यहाँ से भी ऑयल पेंट इफेक्ट नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर से भी रफ़ कर देता हूँ। मैं की से ब्रश को बड़ा कर देता हूँ गाइस। सो ये रेडी है। तो मैं अभी एडजस्टमेंट में जाऊंगा, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट में। मैं हल्का सा थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा डार्क शेड चाहिए ब्राइटनेस, क्योंकि थोड़ा ब्राइट करना है उनके फेस के ऊपर। तो मैं ओके कर देता हूँ यहाँ पर। फिर से मैं एडजस्टमेंट एंड कॉन्ट्रास्ट में जाऊँगा, और यहाँ पर मैं कलर बैलेंस के ऊपर क्लिक करूँगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको आपके हिसाब से करना है। तो मेरे फ़ोटोग्राफ के लिए ये इतना कलर बैलेंस ठीक लग रहा है, तो आप भी यही पैटर्न यूज़ कीजिए, लेकिन अपने तरीके से कीजिए। तो मैं यहाँ पर भी ओके कर देता हूँ। सो मैं यहाँ से अभी ब्रन टूल सिलेक्ट करूँगा, इसकी ओपेसिटी मैं थोड़ी बढ़ा देता हूँ, और इनके चेहरे के ऊपर थोड़ा हल्का सा घुमा देता हूँ। हमारे गए वीडियो में हमने गाइस ये सब नहीं दिखाया था आपको। मेरे पहले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि ऑयल पेंट इफेक्ट किस तरीके से किया जाता है। अभी मैंने आपको प्रॉपर शेडिंग करके लाइक स्किन को थोड़ा ग्लो करना है, थोड़ा कलर बैलेंस करना है, थोड़ा शेड देना है, वो मैंने आपको प्रॉपर समझा दिया। सो आप देख सकते हो अभी रिज़ल्ट आपके सामने है।
मैं इसे बैकग्राउंड को मैं इसके ब्लैक नहीं करूँगा, ये इतना ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने आपको रेफरेंस के लिए बैकग्राउंड को ब्लैक करके दिखाया था, तो ये ठीक लग रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। फिर से मैं एडजस्टमेंट में जाऊँगा, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट पे क्लिक करके थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दूँगा एंड थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट भी। सो आप देख सकते हो पहले इमेज कैसी थी और हमने ऑयल पेंट इफेक्ट देने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो गई है। सो गाइस, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर करना जितना हो सके उतना, और प्लीज़ प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। और गाइस, इसके बाद मैं आपके लिए नियॉन इफेक्ट किस तरीके से दिया जाता है टेक्स्ट एंड फॉन्ट के लिए वो मैं आपको बताऊँगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग GD क्रिएशन। थैंक